हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के सेकंड टॉपिक के बारे में, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फर्स्ट टॉपिक या फिर कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का हमने अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की बेसिक थ्योरी के बारे में समझा था। और उसी वीडियो में हमने ये भी देखा था कि अगर कोई न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है, फर्म में एडमिट होता है, तो उस केस में हम बाकी पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे या फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो पार्टनरशिप अकाउंटिंग में सबसे बेसिक कंसेप्ट यही है कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बेसिस के ऊपर ही आपके बाकी सॉल्यूशंस अप्लाई होंगे। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको जाकर एक बार देख लीजिए। अगर आपको वो पार्ट अच्छी तरह आता होगा तभी आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का पार्ट समझ आएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम कवर करते हैं कि अगर कोई न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो उस केस में जो ओल्ड गुडविल है या फिर न्यू गुडविल है उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। एज गुडविल इज द एफर्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, सो द न्यू इनकमिंग पार्टनर विल ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग सम कैश एज गुडविल टू कंपनसेट दी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। अब हमें ये पता है कि ओल्ड पार्टनर्स बहुत मेहनत करके अपनी बिजनेस की गुडविल बनाते हैं। सो क्योंकि वो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के कारण है, इसलिए वो ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को ही रिलेट करती है। जो इनकमिंग पार्टनर है वो न्यू गुडविल लेकर आएगा अपने शेयर के अकॉर्डिंग, ताकि वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट कर सके। ये हमने पहले भी अंडरस्टैंड किया था कि जो न्यू इनकमिंग पार्टनर होता है वो गेन करता है, और जो बाकी ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनमें से कुछ पार्टनर्स हो सकते हैं गेन करते हों, लेकिन मैक्सिमम केसेस में जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं, वो अपना शेयर सेक्रीफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के लिए। क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं इसलिए बदले में वो कुछ गेन भी करना चाहते हैं। सो इसलिए जो पार्टनर्स सेक्रीफाइस करते हैं उनको कंपनसेशन के तौर पर न्यू इनकमिंग पार्टनर जो है वो गुडविल पे करता है। सो ये बेसिक चीज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को गुडविल एज अ कंपनसेशन दिया जाता है और वो गेनिंग पार्टनर देता है। गेनिंग पार्टनर एक न्यू इनकमिंग पार्टनर भी हो सकता है या फिर ओल्ड पार्टनर भी गेनिंग पार्टनर हो सकता है। सो गुडविल को ट्रीट करने के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, हम वो सभी केसेस इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट केस आता है गुडविल पेड प्राइवेटली। अगर कोई भी इनकमिंग पार्टनर अपनी गुडविल लेकर आता है, अब हमें ये तो पता लग गया कि जो न्यू इनकमिंग पार्टनर होगा वो अपने शेयर के अकॉर्डिंग गुडविल की वैल्यू लेकर आएगा। सो लेकर आएगा ये हमें पता है, लेकिन कैसे लेकर आएगा, किस सिचुएशन में लेकर आएगा, उसके केसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनकी जर्नल एंट्रीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसकी लेजर को भी हम देखेंगे। सो फर्स्ट केस हमारे पास आ गया कि गुडविल तो लेकर आएगा लेकिन वो प्राइवेटली पे कर रहा है पार्टनर्स को। प्राइवेटली पे करने का मतलब है कि वो बिजनेस में आकर गुडविल नहीं दे रहा, वो पार्टनर्स को उनके घर पर जाकर प्रोवाइड कर रहा है। सो इसको हम कहते हैं प्राइवेटली, उनके होम पे जाकर, उनके घर पे जाकर उनको गुडविल दे रहा है। सो ऐसे केस में क्योंकि ये बिजनेस में ट्रांजैक्शन नहीं हुई इसलिए इसकी कोई भी जर्नल एंट्री पास आउट नहीं की जाएगी, नो एंट्री इज़ रिकॉर्डेड। अगर कोई भी पार्टनर प्राइवेटली कोई भी चीज़ करता है तो उसको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ऐसे सेकेंड केस हमारे पास आता है गुडविल ब्राउट इन कैश एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। अगर न्यू इनकमिंग पार्टनर गुडविल बिजनेस में लेकर आता है कैश में, और वो कैश बिजनेस में ही यूज़ किया जाता है, बिजनेस में ही रिटेन करके रखा जाता है, रिटेन करना मतलब बिजनेस में ही रखा जाता है, तो इस केस में क्या ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी। सो फर्स्ट हमारे पास अकाउंटिंग एंट्री आएगी फॉर ब्रिंगिंग कैश एज कैपिटल। अब हमें पता है कि पार्टनर जो इनकमिंग होता है वो गुडविल तो लेकर आता ही है, साथ में कैपिटल भी लेकर आता है, इसलिए सबसे पहली ट्रांजैक्शन हम गुडविल को रिकॉर्ड करने की नहीं, कैपिटल को रिकॉर्ड करने की पास आउट करेंगे। सो जो कैपिटल की ट्रांजैक्शन हम प्लस वन में पास आउट करते थे जब हम बिजनेस को स्टार्ट करने की एंट्री डालते थे, वही सेम ट्रांजैक्शन हम इसमें पास आउट करेंगे, क्योंकि इसमें भी एक न्यू इनकमिंग पार्टनर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लेके आ रहा है। सो कैश अकाउंट डेबिट
टू सीज कैपिटल, हमने यहाँ पर सी को न्यू पार्टनर माना है। सो ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री थी जिसमें न्यू इनकमिंग पार्टनर बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल लेकर आ रहा है। सो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, अगर वो कैश में पैसे नहीं लेकर आ पाता तो हम कैपिटल की जगह करंट अकाउंट यूज़ करेंगे, लेकिन करंट अकाउंट वही यूज़ करेंगे जब वो कैश में कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं लेकर आ पाया। सो हमने यहाँ पर लिखा है कि वो कैश में लेकर आया है, इसलिए हम करंट मेंशन नहीं करेंगे, टू सीज कैपिटल ही मेंशन करेंगे। ऐसे ही सेकेंड एंट्री हमारे पास आती है फॉर ब्रिंगिंग कैश एज प्रीमियम फॉर गुडविल, हम इसको गुडविल भी कह सकते हैं या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल भी कह सकते हैं। जो इनकमिंग पार्टनर है अगर गुडविल कैश में लेकर आता है तो ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड की जाएगी, कैश लेकर आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, गुडविल लेकर आ रहा है कैश में इसलिए क्रेडिट करेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सो जैसे एक न्यू इनकमिंग पार्टनर कैपिटल लेकर आता है तो हमारी जनरल एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, वैसे ही अगर वो गुडविल लेकर आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सो ये हमने सेपरेट एंट्री रिकॉर्ड की। अगर हम इन दोनों ट्रांजैक्शन को, कैपिटल को और गुडविल को, दोनों ही ट्रांजैक्शन को कंबाइंड रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर एक एग्जांपल लें कि सी न्यू इनकमिंग पार्टनर है और वो कैपिटल लेकर आ रहा है 20,000 बिजनेस के लिए और प्रीमियम लेके आ रहा है 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, तो टोटल वो कैश बिजनेस में कितनी लेकर आया, आ जाएगा 30,000। सो सिंपल सी एंट्री है, आप सेपरेट रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कैपिटल के लिए, गुडविल के लिए, या फिर कंबाइन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। थर्ड एंट्री जो रिकॉर्ड की जाएगी वो है गिविंग दी गुडविल टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइजिंग रेशियो। अब हमने बिगिनिंग में ही ये अंडरस्टैंड किया था कि जो न्यू इनकमिंग पार्टनर है वो गुडविल का शेयर लेकर आएगा ओल्ड पार्टनर्स को देने के लिए, उन पार्टनर्स को देने के लिए जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। सो इसलिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन में वो गुडविल लेकर आया, अब सेकंड ट्रांजैक्शन में वो गुडविल गिव करेगा, देगा किन पार्टनर्स को, उन पार्टनर्स को जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 वो लेकर आया था, अब 10,000 को ही वो ए और बी को दे देगा, ए और बी हमारे सेक्रीफाइजिंग पार्टनर है, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को देगा इन सेक्रीफाइजिंग रेशियो। सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर लिया था। सो जो हमारे पास सेक्रीफाइजिंग रेशियो आएगी उसी रेशियो में हम यहाँ पर एंट्री पास आउट कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सेक्रीफाइजिंग रेशियो 2:1 आती है तो हम 10,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ऐसे ही अगर इक्वल आती है सेक्रीफाइजिंग रेशियो तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5,000 ए के लिए और 5,000 बी के लिए। यहाँ पर करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट दोनों में से कोई एक आएगा। अगर न्यू इनकमिंग पार्टनर कैपिटल प्रीमियम जो है वो कैश में लेकर आता है तो इनको कैश में दे दिया जाएगा, अगर वो कैश में नहीं लेकर आता है तो हो सकता है हम ट्रांजैक्शन को करंट में भी रिकॉर्ड कर लें, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हम कैपिटल को ही यूज़ करते हैं। सो ये था हमारे पास सेकंड केस जिसमें न्यू इनकमिंग पार्टनर कैश में गुडविल लेकर आता है और बिजनेस में ही उसको मेंटेन करके रखा जाता है। इसमें हमारे पास सिंपली दो एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएंगी, फर्स्ट एंट्री वो जिसमें पार्टनर जो है वो कैपिटल और गुडविल लेकर आ रहा है, सेकंड एंट्री वो जिसमें इनकमिंग पार्टनर सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को कंपनसेट कर रहा है गुडविल के लिए इन सेक्रीफाइजिंग रेशियो। इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको जर्नल एंट्री भी पता लग जाए और कैलकुलेशंस भी पता लग जाएं। सो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जर्नल एंट्रीज पास आउट करते हैं। इसमें हमें कहा गया है ए और बी पार्टनर्स हैं जो कि 5:3 में शेयर करते हैं प्रॉफिट या फिर लॉस। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, ही ब्रिंग्स ₹40,000 फॉर हिज 1/5 शेयर। सी एज अ न्यू पार्टनर हमने एडमिट किया बिजनेस में और उसको 1/5 शेयर पे किया जाएगा,
उसने अपने 1/5 शेयर के लिए 40,000 लेकर आया एज अ गुडविल. ही ब्रिंग्स रुपीज 40,000 फॉर हिज 1/5 शेयर एज प्रीमियम फॉर गुडविल. द न्यू शेयरिंग रेशो अमंग देम इज 3:1:1 पास जर्नल. अब इस केस में हमें सबसे पहले सेक्रीफाइजिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी. अगर हमारे पास सेक्रीफाइजिंग रेशो पहले से दी हुई है तो हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज पास आउट कर सकते हैं. लेकिन इसमें हमें सेक्रीफाइजिंग रेशो नहीं दी गई, इसलिए हम सेक्रीफाइजिंग रेशो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे. सेक्रीफाइजिंग रेशो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. सो हमारे पास ओल्ड पार्टनर है ए और ओल्ड पार्टनर है बी. ए की रेशो है 5:8 और बी की रेशो है 3:8. इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यू रेशो. अब न्यू रेशो को सब्ट्रैक्ट करते वक्त स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि न्यू जो पार्टनर है उसकी रेशो हम कैलकुलेट करेंगे इसमें या फिर नहीं. तो इसका आंसर है कि हम न्यू पार्टनर की रेशो भी कैलकुलेट करेंगे. सो इसका मतलब 3 + 1 + 1 सो नीचे आएगा 5. कुछ स्टूडेंट्स नीचे 4 मेंशन कर देते हैं ये समझ के कि न्यू जो पार्टनर है उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे और 3:1 में ही आंसर फाइंड आउट कर देंगे. तो ऐसा नहीं है, पूरी रेशो को कैलकुलेट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे. ऐसे ही बी की न्यू रेशो है 1:5. सी के लिए भी अगर कैलकुलेट करना चाहे तो हम कर सकते हैं. सी क्योंकि ओल्ड पार्टनर नहीं था इसलिए इसकी ओल्ड रेशो आएगी नील और न्यू रेशो आएगी 1:5, जो कि उसने कहा है कि मैं बिजनेस में आने के लिए लूँगा. सो इसको हम एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1:40. इसको भी हम एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7:40. अब इन दोनों का आंसर क्योंकि पॉजिटिव में आ रहा है इसलिए ये दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं. वहीं पर सी का आंसर नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब सी जो है वो गेन कर रहा है. सो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करता है गुडविल पे करके. और इस स्टेटमेंट में लिखा भी गया है कि जो इनकमिंग पार्टनर है वो 40,000 लेकर आया है एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल कंपनसेट करने के लिए और इसकी हमें जर्नल एंट्री पास आउट करनी है. सो सबसे पहले जो इनकमिंग पार्टनर है वो कैपिटल कितनी लेकर आया ये हमें नहीं बताया गया. सो इसका मतलब हम कैपिटल की एंट्री पास आउट नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली प्रीमियम की एंट्री पास आउट करेंगे. सो उसकी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट 40,000 लेकर आया टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000. अब ये जो 40,000 लेकर आया है वो कंपनसेट करने के लिए लेकर आया है इसलिए वो कंपनसेट हम पे कर देंगे सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को इन सेक्रीफाइजिंग रेशो. सेक्रीफाइजिंग रेशो अभी हमने कैलकुलेट की 1:7. इसका मतलब 40,000 जो लेकर आया है न्यू पार्टनर वो ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाएगी इन सेक्रीफाइजिंग रेशो, जिस रेशो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया. सो 40,000 का फर्स्ट पार्ट और 7th पार्ट 1:7 में. सो इसका आंसर आएगा 5,000 और 35,000. 40,000 में से 5,000 मिला ए को क्योंकि उसने कम सेक्रीफाइस किया, 35,000 मिला बी को क्योंकि उसने ज़्यादा सेक्रीफाइस किया. सो 1:7 में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. सिंपल सी कैलकुलेशन है सेक्रीफाइजिंग रेशो की. ऐसे ही अगर आपको केस आ जाता है जहाँ पर आपको न्यू रेशो ऑलरेडी नहीं गिवन होगी तो इस केस में आपको ओल्ड रेशो जो कि गिवन है उसको यहाँ पर मेंशन करना है. लेकिन न्यू रेशो क्योंकि नहीं गिवन तो आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी न्यू रेशो की. और न्यू रेशो की कैलकुलेशन कैसे करनी है ये हमने फर्स्ट पार्ट में डिफरेंट केसेस में देखा था. सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन हमें कहता है कि ए और बी पार्टनर्स हैं जो कि शेयर कर रहे हैं 3:2 में. ए एंड बी सरेंडर 1:2 ऑफ देयर शेयर्स रिस्पेक्टिवली इन फेवर ऑफ सी. अब इस केस में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दी गई,
हमें सिर्फ डायरेक्टली ये कह दिया गया है कि ए और बी ने सरेंडर किया अपने शेयर में से 1/2। आगे लिखा है सी ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश अकॉर्डिंग टू हिज शेयर। सी जो कि न्यू इनकमिंग पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है कैश में। कितनी लेकर आया है ये नहीं बताया गया, बस इतना कहा गया है कि जितना उसका शेयर बनता था उतनी वो गुडविल लेकर आया है। द गुडविल ऑफ द फर्म इज एस्टिमेटेड एट ₹40,000। जो पूरी फर्म की गुडविल है वो हमें बताई गई है 40,000। अब आपको ध्यान रखना है कि सी कितनी गुडविल लेकर आया है ये हमें कैलकुलेट करना है, हमें दिया नहीं गया, हमें सिर्फ पूरी फर्म की गुडविल बता दी गई है कि पूरी फर्म की न्यू गुडविल की वैल्यू है 40,000। सो इस केस में सबसे पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसकी हेल्प से हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ए जो है उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/5 और बी जो है उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/5। ए कहता कि मैंने अपने शेयर का 1.5 सेक्रीफाइस किया सी को देने के लिए। ए सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर। ऐसे ही बी ने भी कहा कि 1/2 मैंने सेक्रीफाइस किया अपने शेयर का पे करने के लिए सी को। ऐसा केस हमने फर्स्ट पार्ट में भी किया था। सो इसका मतलब ए ने सेक्रीफाइस किया 3/10 और बी ने सेक्रीफाइस किया 2/10। सो ये डायरेक्टली हमारे पास सेक्रीफाइजिंग रेशो आ गई। सो अब क्योंकि सेक्रीफाइजिंग रेशो ही आ चुकी है तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ए एंड बी सरेंडर्स 1/2 ऑफ देयर शेयर्स रिस्पेक्टिवली इन फेवर ऑफ सी। ए ने अपने शेयर का 1.5 सेक्रीफाइस किया, बी ने भी अपने शेयर का 1.5 सेक्रीफाइस किया, तो ये हमारे पास आ गई सेक्रीफाइजिंग रेशो। अगर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास सेक्रीफाइजिंग रेशो ही आ गई तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हमें सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि सी को कितना शेयर मिला। अगर हमें ये पता चल जाएगा कि सी को कितना शेयर मिला तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि सी कितनी गुडविल लेकर आएगा। सो ये भी कैलकुलेट करना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। ए कहता कि मैंने 3/10 सेक्रीफाइस किया और बी कहता मैंने 2/10 सेक्रीफाइस किया सी को पे करने के लिए। इसका मतलब ए ने पे किया 3/10 और बी ने पे किया 2/10, तो दोनों को प्लस करके जो सी को मिला वो हमारे पास आ जाएगा 5/10। इसको हम कैंसिल करके स्मॉल करके भी लिख सकते हैं 1/2। इसका मतलब सी का न्यू शेयर जो है वो 1/2 है। ऐसे ही अगर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में भी पूछ लिया जाता, कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता, तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेते। अब हमारे पास सेक्रीफाइजिंग रेशो आ चुकी है, सी की न्यू रेशो आ चुकी है, ए और बी ने जो सेक्रीफाइस किया उसको हम माइनस कर देंगे उनके रिस्पेक्टिव शेयर से, तो ए और बी का भी न्यू रेशो आ जाएगी। हमसे नहीं पूछा गया लेकिन फिर भी मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। ए का न्यू शेयर था, सॉरी ओल्ड शेयर था 3/5 और बी का ओल्ड शेयर था 2/5। ए कहता कि मैंने 3/10 पे किया सी को और बी कहता मैंने 2/10 पे किया सी को। सो क्योंकि उन्होंने पे किया इसलिए उनके शेयर में से हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास आएगा वो न्यू शेयर होगा। सो कैलकुलेशंस बहुत इजी हैं, बस आपको क्वेश्चन का टाइप समझना है कि कैसे हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सो अब हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशो आ चुकी है, सी का शेयर आ चुका है, तो हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको यूज़ करते हैं। पूरी फर्म का जो गुडविल की वैल्यू थी वो हमें दी गई है 40,000 और हमें स्टेटमेंट में कहा गया है कि सी अपने शेयर की गुडविल लेकर आएगा। सो उसका शेयर 1/2 है, इसका मतलब सी लेकर आएगा 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल के बारे में नहीं बताया गया तो हम इसके रिगार्डिंग एंट्री पास आउट कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। अब 20,000 जो है वो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को पे करना है सेक्रीफाइजिंग रेशो में,
सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारी 3:2 आई है। कैसे आई है अब आई होप अब आपको पता लग गया होगा। सो इसकी एंट्री भी सेम है, प्रोविजन फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000, ए को पे करेंगे और बी को पे करेंगे उनकी कैपिटल में। किस रेशो में पे करेंगे? 3:2। सो ये हमारा आ जाएगा 12,000 और बी का आ जाएगा 8,000। सो ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट था और डिफिकल्ट था। इसमें हमें गुडविल भी नहीं बताई गई थी कितनी लेकर आएगा, न्यू रेशो भी नहीं बताई गई थी, सेक्रीफाइसिंग रेशो भी नहीं बताई गई थी। अब एक और मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो या फिर न्यू रेशो नहीं बताई जाएगी, दोबारा से कह देता हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो नहीं प्रोवाइड की जाएगी तो ओल्ड रेशो को ही हम सेक्रीफाइसिंग रेशो मान सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशंस करने पर, बार बार कैलकुलेशंस करने पर भी हमारा आंसर जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो और ओल्ड रेशो सेम आता है। सो इसका मतलब अगर पूरे क्वेश्चन में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं बताई गई सभी पार्टनर्स की तो ओल्ड रेशो को ही हम सेक्रीफाइसिंग रेशो मान सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो आई 3:2 और हमारी ओल्ड रेशो थी 3:2 जो कि सेम है। सो इसका मतलब अगर पूरे क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं बताई गई तो आप ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो मानकर आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि आर और एस दो पार्टनर्स हैं जो कि 4:1 में शेयर कर रहे हैं। इन दोनों ने एम को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए। इट इज़ एग्रीड डैट आर एंड एम विल शेयर इक्वली इन फ्यूचर। सो आर एंड एम ने डिसाइड किया कि फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी होगी इक्वल, जो कि है 1:1 और 1, तीनों ही पार्टनर्स इक्वली शेयर करेंगे। सो अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दी गई है, इसका मतलब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, हम ओल्ड रेशो का सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं मान सकते। एम ब्राउट ₹50,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। एम जो न्यू पार्टनर है वो 50,000 लेकर आया गुडविल के लिए। सो इसकी ट्रीटमेंट हम सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करके करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सो आर, एस और एम तीनों के लिए हम कैलकुलेशंस कर लेंगे। ओल्ड रेशो है 4/5, 1/5, 0। न्यू रेशो है सबकी 1/3, 1/3 और 1/3। सो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तीनों को। फर्स्ट हमारा आएगा 7/15। सो क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब आर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -2/15। सो नेगेटिव में आंसर आ रहा है इसका मतलब एस जो कि ओल्ड पार्टनर है वो न्यू पार्टनर के आने से सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, गेन कर रहा है। ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे तो माइनस में आएगा जो कि गेन होगा। सो इस केस में अब दो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं और एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका मतलब जो न्यू इनकमिंग पार्टनर है वो तो लेकर आएगा ही गुडविल, लेकिन जो ओल्ड पार्टनर है जो सेक्रीफाइस करने की बजाय गेन कर रहा है वो भी कुछ पार्ट लेकर आएगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे करेगा। अब कितना लेकर आएगा इसको कैलकुलेट करना सिंपल है। एम जो है वो 50,000 लेकर आ रहा है और उसका शेयर है 1/3। सो उसके शेयर को अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो पूरी फर्म की गुडविल हमारे पास आ जाएगी जो कि होगी 1,50,000। सो अगर हमारे पास फर्म की गुडविल आ गई तो हम एस के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे कि एस कितना पार्ट लेकर आएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे करने के लिए। फर्म की गुडविल हमारे पास आ गई रेसिप्रोकल करने पर 1,50,000। 1,50,000 में से एस लेकर आएगा 2/15 क्योंकि वो गेन कर रहा है इतनी ही रेशो में। सो इसको सॉल्व करेंगे
सो ये हमारे पास आ जाएगा 20,000। सो एम लेकर आ रहा है 50,000 और एस लेकर आएगा 20,000। 20,000 कैसे लेकर आया, सिंपल कैलकुलेशन है। जितनी गुडविल एम लेकर आ रहा था अगर हम उसका रेसिप्रोकल कर दें तो फर्म की गुडविल आ गई और फर्म की गुडविल में से एस अपनी गेनिंग रेशियो में अपना पार्ट लेकर आएगा जो कि है 20,000। सो टोटल 70,000 आ गया। अब ये 70,000 पूरा का पूरा आर को मिलेगा क्योंकि आर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। सो इसके लिए सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री पास आउट करनी पड़ेगी। जो न्यू पार्टनर कैश लेकर आया, बैंक भी लिख सकते हैं अगर हमें बैंक लिखना है तो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000। ये जो प्रीमियम है वो सारा का सारा हम आर को पे करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 तो पे करेंगे ही, साथ में जो 20,000 है वो भी पे करेंगे। अब उसको एस पे कर रहा है इसलिए एस के अकाउंट से हम डिडक्ट करेंगे। कोई भी अमाउंट किसी पार्टनर के अकाउंट में से डिडक्ट करनी हो तो उसको हम डेबिट करेंगे, और अगर कोई भी अमाउंट हमने पार्टनर के अकाउंट में डिपॉजिट करनी हो तो उसको क्रेडिट करेंगे। ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आना चाहिए। डेबिट साइड कौन सी एंट्री आएगी, क्रेडिट साइड कौन सी आएगी, आपको पता होना चाहिए। सो क्योंकि अब एस पे कर रहा है 20,000, इसका मतलब हमने एस के अकाउंट से डिडक्ट करनी है। सो डिडक्ट करने का मतलब हम उसके कैपिटल अकाउंट में से डेबिट कर देंगे 20,000। और क्योंकि हमें पे करनी है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, तो क्योंकि हमें पे करनी है मतलब ये दोनों पे करेंगे आर को, तो आर के लिए इनकम है, आर के लिए ये डिपॉजिट है, तो इसलिए हम उसका अकाउंट कैपिटल क्रेडिट कर रहे हैं 70,000 से। सो आई होप अब आपको सेकेंड केस पता लग गया होगा। अब हम थर्ड केस देख लेते हैं। सो ये है हमारे पास थर्ड केस, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्राउट इन काइंड। अब इस केस में जो न्यू इनकमिंग पार्टनर है वो अपनी गुडविल कैश में नहीं लेकर आ पाया और वो कैश के बजाय काइंड में लेकर आया है। काइंड में लेकर आना मतलब या तो वो बिजनेस में एसेट और लायबिलिटी, बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कैश की बजाय लेकर आया। तो इस केस में हमें दो जर्नल एंट्रीज पास आउट करनी है। फर्स्ट एंट्री, कैश की बजाय एसेट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। प्रीवियस केस में हम यहाँ पर कैश लिखते थे क्योंकि वो कैश लेकर आया था, लेकिन अब कैश नहीं लेकर आया इसलिए हम एसेट का नाम लिख देंगे जो वो एसेट लेकर आया होगा। अगर वो फर्नीचर लेकर आया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अगर वो बिल्डिंग लेकर आया है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बाकी सभी दोनों चीज़ें हम सेम ही रखेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकेंड एंट्री हमारी वही रहेगी कि जो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स होंगे उनको न्यू इनकमिंग पार्टनर या फिर गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइजिंग रेशियो में जो गुडविल लेकर आया है वो पे कर देगा। सो पे करने के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे और पार्टनर्स को हम पे कर देंगे, ए बी सी जितने भी पार्टनर्स ओल्ड होंगे और जिन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा। थर्ड केस में जो डिफ़िकल्टी आती है स्टूडेंट्स को वो यही है कि कैपिटल और प्रीमियम कैसे पता लगाया जाए कि एसेट में से कैपिटल कितनी है और प्रीमियम कितना है। फॉर एग्जांपल अगर हमें क्वेश्चन में कह दिया जाता है कि सी जो कि न्यू इनकमिंग पार्टनर है वो एसेट 50,000 की लेकर आया, तो हमें कैसे पता चले कि 50,000 में से कैपिटल के लिए पैसे कितने लेकर आया है या फिर एसेट कितने लेकर आया है और गुडविल के लिए कितनी एसेट लेकर आया है। सो डिस्ट्रीब्यूशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसीलिए हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं और पता लगाते हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चन, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं 3:2 में शेयर कर रहे हैं। उन्होंने जेड को एडमिट किया 3/13 शेयर के लिए। उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:5:3। जेड कॉन्ट्रीब्यूट्स फॉलोइंग एसेट्स टू हिज कैपिटल एंड फॉर गुडविल। अब कैपिटल और गुडविल के लिए उसने नीचे लिखी हुई एसेट्स बिजनेस में इन्वेस्ट की है, कितनी कैपिटल के लिए है कितनी गुडविल के लिए ये हमें नहीं बताया गया।
स्टॉक इन्वेस्ट किया 80,000 का, डेटर्स 1,20,000 के, लैंड 2,00,000 का, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 की। कैपिटल के लिए कितनी की गई इन्वेस्टमेंट और गुडविल के लिए कितनी की गई इन्वेस्टमेंट, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ एक हिंट दे दिया गया है, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, जब न्यू पार्टनर को एडमिट किया गया बिजनेस में, तब बिजनेस की गुडविल थी 10,40,000। सो इसका मतलब ये न्यू गुडविल की बात कर रहे हैं, न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल, अब ये ओल्ड नहीं है। हमें कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, जब बिजनेस में पार्टनर एडमिट हुआ तब बिजनेस की गुडविल की वैल्यू थी 10,40,000। सो अब हमें गुडविल की वैल्यू दे दी गई है 10,40,000। सो 10,40,000 जो है वो पूरी फर्म की गुडविल है। सो जेड का शेयर जो हमें दिया गया है 3/13, इसको यूज़ करते हुए हम जेड का शेयर पता कर लेंगे कि उसको कितना लेकर आना चाहिए था गुडविल के लिए। सो 3 को मल्टीप्लाई करके हम 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,40,000। इसका मतलब जेड जो है वो गुडविल 2,40,000 लेकर आया और बाकी जो कैपिटल, जो एसेट बच गई वो कैपिटल के तौर पर यूज़ होगा। जर्नल एंट्री पास आउट करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि पार्टनर जो है वो स्टॉक लेकर आया, तो स्टॉक अकाउंट हम डेबिट कर देंगे और उसकी अमाउंट है 80,000। फिर वो डेटर्स लेकर आया और उसकी अमाउंट है 1,20,000। लैंड अमाउंट है 2,00,000। प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट है 1,20,000। सो वो ये सारी अमाउंट्स लेकर आया, इसमें से कैपिटल के लिए कितनी लेकर आया उसको हम कैपिटल में डाल देंगे और जो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लेकर आया उसको हम उसमें डाल देंगे। सो प्रीमियम फॉर गुडविल को उसको लेकर आनी चाहिए थी 2,40,000। प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए उसको 2,40,000 लेकर आना चाहिए था फर्म की गुडविल की हेल्प से, ये हमने कैलकुलेट किया। सो 2,40,000 तो हम इसमें मेंशन कर देंगे, बाकी जो बैलेंस बच गया उसको हम कैपिटल में मेंशन कर देंगे। सो वो हमारा आएगा 2,80,000। सो आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि आपको ऐसा हिंट दिया जाएगा, इसकी हेल्प से आपको पता लग जाएगा कि कैपिटल के लिए कितना है और गुडविल के लिए कितना है। अब जो अमाउंट वो गुडविल के लिए लेकर आया वो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को पे करेंगे और वो हम पे करेंगे सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। सो सेक्रीफाइजिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब क्योंकि इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी गई है तो हम ओल्ड को सेक्रीफाइजिंग रेशियो नहीं मान सकते, हमें ओल्ड में से न्यू डिडक्ट करनी पड़ेगी, फिर जो सेक्रीफाइजिंग रेशियो आएगी उसमें हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो उसको आप कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। सो इसको मिलेगा 2,24,000 और वाई को मिलेगा बैलेंस 16,000। नेक्स्ट केस हमारे पास आता है फोर्थ, द गुडविल ब्राउट बाय न्यू पार्टनर इज विड्रॉन बाय सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स। सो प्रीवियस हमने केस किया कि जिसमें इनकमिंग पार्टनर कैश में या फिर काइंड में गुडविल लेकर आता है और वो बिजनेस में ही मेंटेन करके रखी जाती है, लेकिन ये केस है जिसमें जो इनकमिंग पार्टनर है गुडविल लेकर आता है लेकिन जो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर है उसको विड्रॉ करवा लेते हैं, या तो फुली विड्रॉ करवाएंगे या फिर पार्टली। सो इस केस में हमें क्या एंट्री पास आउट करनी है, फर्स्ट एंट्री आती है फॉर ब्रिंगिंग। तो सबसे पहले न्यू इनकमिंग पार्टनर कैश और कैपिटल लेकर आएगा, उसके लिए जर्नल एंट्री सेम आएगी जो हमने प्रीवियस केसेस में की। अगर वो एसेट लेकर आएगा तो एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे, अगर वो कैश लेकर आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। सेकेंड एंट्री आती है फॉर गिविंग। सो जो वो प्रीमियम लेकर आया वो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को वो पे करता है, उसकी एंट्री सेम आएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स। जो थर्ड एंट्री होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, जो कि हमने प्रीवियस केसेस में नहीं की। इस केस में जो ओल्ड पार्टनर हैं या फिर सेक्रीफाइजिंग पार्टनर हैं वो अपनी गुडविल को विड्रॉ करवा लेते हैं। सो विड्रॉ करवाना मतलब उनकी अकाउंट में से डिडक्ट करना। सो अगर किसी भी चीज़ के लिए पार्टनर्स के अकाउंट को डिडक्ट करना पड़ता है तो हम उनके अकाउंट को डेबिट करते हैं। सो इसलिए हमने उनके अकाउंट को डेबिट किया। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। इसमें हम एग्जांपल लेके कर लेते हैं कि इनकमिंग पार्टनर जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 लेकर आया। 20,000 हमने पार्टनर्स को पे कर दिया, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को। अब इन 20,000 में से ए को मिला 10,000 या 15,000 और बी को मिला 5,000, उनकी सेक्रीफाइजिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। एग्जांपल लिया हमने, सपोज किया है। सो सेक्रीफाइजिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हमने 20,000 उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमें ये कह दिया जाता है कि हाफ ऑफ दी गुडविल इज विड्रॉन बाय दी पार्टनर्स। जितनी गुडविल उनको मिली उसकी हाफ दोनों ने विड्रॉ करवा ली। सो ए अगर अपनी हाफ विड्रॉ करवाएगा तो इसकी आएगी 7,500 और इसकी आएगी 2,500। तो हम यहाँ पर 7,500 की एंट्री पास आउट करेंगे, यहाँ पर 2,500 की, और टोटल हो गई 10,000। सो जैसे मर्जी आपको कहा जा सकता है कि 1/3 डिस्ट्रीब्यूट करवा ली ए ने, विड्रॉ करवा ली ए ने और हाफ विड्रॉ करवाई बी ने। सो अगर ऐसा आता तो 1/3 का मतलब है ये। सो ए की हमारे पास आ जाती 5,000, यहाँ पर हम 5,000 मेंशन करते और यहाँ पर हमारा हो जाता 7,500। सो विड्रॉ करवाने की जनरल एंट्री आपको आनी चाहिए, अमाउंट कैलकुलेट करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ऐसे ही हमारे पास फिफ्थ केस आता है, न्यू पार्टनर इज़ नॉट एबल टू ब्रिंग ऑल अमाउंट ऑफ गुडविल। जो न्यू इनकमिंग पार्टनर है वो कैपिटल तो लेकर आया बिजनेस में लेकिन गुडविल नहीं लेकर आया, तो उसके लिए जनरल एंट्री क्या पास आउट की जाएगी। फर्स्ट एंट्री हमारे पास आती है फॉर ब्रिंगिंग दी गुडविल एंड कैपिटल। जो भी बिजनेस में वो कैपिटल या गुडविल लेकर आया उसकी एंट्री पास आउट की जाएगी, जितनी भी वो लेकर आ सका। फॉर एग्जांपल अगर पार्टनर को 20,000 गुडविल लेकर आनी चाहिए थी लेकिन वो 10,000 की ही लेकर आया तो हम जनरल एंट्री 10,000 की ही पास करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल में 20,000 की जगह हम 10,000 मेंशन करेंगे क्योंकि वो 10,000 ही लेकर आया। सो फर्स्ट एंट्री सेम आएगी जैसे हम पास आउट करते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट एंट्री है उसमें थोड़े चेंजेस आएंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल उसको 20,000 लेकर आना चाहिए था लेकिन वो 10,000 लेकर आया, सो 10,000 को हम डेबिट कर देंगे। और बैलेंस जो वो 10,000 नहीं लेकर आ पाया वो या तो हम उसकी कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे या फिर हम उसकी करंट अकाउंट में से डिडक्ट करेंगे। इसलिए हमने उसके कैपिटल या फिर करंट अकाउंट को डेबिट किया, क्योंकि अगर हम किसी भी अमाउंट को डिडक्ट करना चाहते हैं पार्टनर के अकाउंट में से तो उसको हम डेबिट कर देते हैं। सो सिंपल है, फर्स्ट एंट्री सेम आएगी, जो सेक्रीफाइज पार्टनर्स को पे करने के लिए एंट्री आती है उसमें बस चेंजेस आ जाएंगे। जितनी अमाउंट उसको लेकर आनी चाहिए थी उसका डिफरेंस हम ले लेंगे जितनी वो लेकर आया। सो 20,000 उसको लेकर आनी चाहिए थी और वो एक्चुअल में 10,000 लेकर आया, सो 10,000 जो वो नहीं लेकर आया वो हम उसके कैपिटल में से डिडक्ट कर लेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। सो ओल्ड पार्टनर्स को, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को 20,000 ही मिलेगा, 10,000 जो वो लेकर आया, और जो वो 10,000 नहीं लेकर आया वो कैपिटल में से डिडक्ट करके मिलेगा। सिक्स्थ केस हमारे पास आता है, नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल इन कैश और इन काइंड। जो न्यू इनकमिंग पार्टनर है वो कुछ भी कैश में नहीं लेकर आ पाया और ना ही काइंड में लेकर आ पाया, मतलब ना ही वो कैपिटल लेकर आया और ना ही वो गुडविल लेकर आया। सॉरी, वो कैपिटल तो लेकर आ पाया लेकिन गुडविल ना ही वो कैश में लेकर आया पाया ना ही वो काइंड में लेकर आ पाया। एक बार केस को दोबारा बता देता हूँ, जो न्यू इनकमिंग पार्टनर है वो गुडविल की कोई भी अमाउंट नहीं लेकर आ पाया,
प्रीवियस केस में हमने किया था कि वो कुछ पार्ट लेकर आ पाया और कुछ पार्ट नहीं लेकर आ पाया, लेकिन ये केस है जिसमें वो गुडविल की एक भी अमाउंट नहीं लेकर आ पाया। तो इसमें भी सेम जनरल एंट्री पास आउट की जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल या फिर करंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल को हम एंटर नहीं करेंगे क्योंकि वो गुडविल की अमाउंट नहीं लेकर आया। सो क्योंकि वो गुडविल की अमाउंट नहीं लेकर आया तो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को हम प्रीमियम फॉर गुडविल देने की बजाय न्यू इनकमिंग पार्टनर के अकाउंट को डेबिट कर देंगे ताकि हम उसके अकाउंट में से डिडक्ट कर दें। जैसा प्रीवियस केस था वैसा ही ये केस है, बस इसमें चेंजेस ये हैं कि वो कुछ भी अमाउंट नहीं लेकर आया। सो क्योंकि वो कुछ भी अमाउंट नहीं लेकर आया इसे हम प्रोविजन फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डेबिट नहीं करेंगे, हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे जितनी भी अमाउंट उसको लेकर आनी चाहिए थी। अगर उसको 20,000 लेकर आनी चाहिए थी और वो 20,000 नहीं लेकर आया तो 20,000 हम उसकी कैपिटल अकाउंट में से डिडक्ट करेंगे और पार्टनर्स को सेक्रीफाइजिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो ये हमारा लास्ट केस था जिसमें पार्टनर जो है वो कैपिटल नहीं लेकर आ पाता। इसके अलावा कुछ एक और इम्पोर्टेंट बात है वो भी हम देख लेते हैं। ये है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। सो जितनी भी कैलकुलेशंस अभी हमने अब तक की उसकी हेल्प से आपको ये पता लग गया होगा कि जो न्यू इनकमिंग पार्टनर है वो बिजनेस में दो चीज़ें लेकर आता है, फर्स्ट कैपिटल और सेकंड गुडविल। कैपिटल कितनी लेकर आएगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन गुडविल कितनी लेकर आएगा वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ गुडविल के ऊपर। सो अगर आपको वैल्यू ऑफ गुडविल क्वेश्चन में दे दी जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कि पार्टनर कितनी गुडविल लेकर आएगा, लेकिन अगर आपको गुडविल की अमाउंट नहीं बताई जाती, ना ही आपको फर्म की गुडविल बताई जाती है और ना ही ये बताया जाता है कि पार्टनर कितनी गुडविल लेकर आएगा, तो उस केस में आपको गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हिंट्स दे दिए जाएंगे, आपको गुडविल के मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे और आपको गुडविल मिल जाएगी। कोई भी एक मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के टाइप के ऊपर। एवरेज प्रॉफिट मेथड लग सकता है, सुपर प्रॉफिट मेथड या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड, तीनों में से कोई भी मेथड आप अप्लाई करेंगे आपको गुडविल की वैल्यू मिल जाएगी और वो गुडविल की वैल्यू फर्म की होगी। उस फर्म की गुडविल की हेल्प से आप इनकमिंग पार्टनर के शेयर के अकॉर्डिंग उसकी गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड्स नहीं आते तो उसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको एक बार जाकर देख लीजिए। लेकिन इसके अलावा अगर आपको हिंट भी नहीं दिया जाता, गुडविल भी नहीं दी जाती, पार्टनर कितनी गुडविल लेकर आ रहा है ये भी नहीं बताया जाता और हिंट भी नहीं दिया जाता गुडविल को कैलकुलेट करने का, तो उस केस में हमें हिडन गुडविल कैलकुलेट करने के बारे में कहा जाता है। सो हिडन गुडविल को कैलकुलेट करने के हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, हम वो स्टेप फॉलो करेंगे तो हमें गुडविल मिल जाएगी। हिडन गुडविल का मतलब है वो गुडविल जो आपको डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं की गई बल्कि आपसे छुपाई गई है, हिडन करके रखी गई है। सो फर्स्ट स्टेप हमारे पास है विद द हेल्प ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल कैलकुलेट कैपिटल ऑफ होल फर्म। सेकेंड स्टेप है देन कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल ऑफ अ फर्म बाय एडिंग द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। और थर्ड स्टेप में हम सेकेंड और फर्स्ट को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी गुडविल। आई होप आपको ये स्टेप्स ओरली समझ नहीं आए होंगे, हम एक प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं ताकि आपको पता लग जाए। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ए की कैपिटल हमें दी गई है 1,60,000 और बी की कैपिटल हमें दी गई है 1,20,000। सी जो कि न्यू पार्टनर है वो बिजनेस में एडमिट होगा और वो 1/4 शेयर के लिए बिजनेस में एंटर हो रहा है और वो कैपिटल लेकर आएगा 1,60,000। इन दोनों की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हम इक्वल ले लेते हैं। सो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें बताई गई है, अब हमें जनरल एंट्री पास आउट करनी है गुडविल के रिगार्डिंग, कैपिटल के रिगार्डिंग। सो कैपिटल के रिगार्डिंग एंट्री जो है वो इजीली पास आउट हो जाएगी क्योंकि हमें बताया गया है, लेकिन गुडविल के बारे में नहीं पास की जा सकती क्योंकि हमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई। सो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप हमें क्या कहता है,
कि जो कैपिटल न्यू पार्टनर लेकर आया है उसकी हेल्प से हम पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए वो कैलकुलेट कर लेंगे बाय रेसिप्रोकल ऑफ शेयर। सो शेयर का हम रेसिप्रोकल करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे कि बिजनेस में कितनी कैपिटल होनी चाहिए। सो ये हमारे पास आ जाएगी ₹6,40,000। सेकेंड स्टेप हमें कहता है कि जो एक्चुअल कैपिटल है पार्टनर्स की उनको हम ऐड करें। सो ए बी और सी न्यू पार्टनर है उसको भी हम ऐड करेंगे। इन तीनों की कैपिटल को हम ऐड करेंगे तो एक्चुअल कैपिटल हमें पता लग जाएगी जो कि आएगी ₹4,40,000। थर्ड स्टेप हमें कहता है कि फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस लिया जाए। सो फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस हमारे पास आता है 2 लाख का। सो उसको हम क्या कहते हैं गुडविल। सो ये हमारे पास आ गई गुडविल की वैल्यू। एक बार गुडविल की वैल्यू आ जाए तो हम सी का शेयर फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसको कितनी अमाउंट लेकर आनी चाहिए। सो उसका शेयर था 1/4। सो वो 2 लाख का 1/4 बिजनेस में एज अ गुडविल लेकर आएगा तो वो अमाउंट आ जाएगी ₹50,000। सो इसका मतलब अब हम जर्नल एंट्री ईजिली पास आउट कर सकते हैं गुडविल के रिगार्डिंग भी और कैपिटल के रिगार्डिंग भी। सेम जर्नल एंट्री पास आउट की जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकेंड एंट्री पास आउट की जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 50,000 को। इस केस में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी गई इसका मतलब यही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। 50,000 का 25,000 ए को मिल जाएगा और 25,000 बी को मिल जाएगा। सो ये हमारे पास थे डिफरेंट केसेस और डिफरेंट कैलकुलेशंस। अब गुडविल की ट्रीटमेंट डिफरेंट केसेस में जर्नल के अलावा लेजर में भी करनी पड़ती है, लेजर में भी उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। सो लेजर में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा डिफरेंट केसेस में हम वो भी देख लेते हैं। सो ये है हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड कौन से एंट्री पास आउट की जाती है या फिर क्रेडिट साइड कौन से एंट्री पास आउट की जाती है, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपको ये फॉर्मेट समझ आ जाए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 3 पार्टनर्स हैं ए बी और सी, जिसमें से सी जो है वो न्यू पार्टनर है। सो ए और बी ओल्ड पार्टनर है तो उनकी ओल्ड जो कैपिटल होगी हम उसकी वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे। सेकंड ए और बी ने जो न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस की होगी बिजनेस में उसको लिखेंगे, अगर नहीं की गई होगी तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद जो सी जो कि न्यू इनकमिंग पार्टनर है वो बिजनेस में कैपिटल लेकर आएगा इसलिए हम उसकी अमाउंट रिकॉर्ड कर लेंगे बाय कैश और उसकी अमाउंट यहाँ पर आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिन पार्टनर्स को मिलेगा उनकी हम मेंशन कर देंगे, अगर सी को मिलेगा तो लिखेंगे वरना ब्लैंक छोड़ देंगे। ऐसे ही कमीशन बोनस सैलरी जो कुछ मिलेगा हम वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद आता है कि सी जो कि न्यू इनकमिंग पार्टनर है वो बिजनेस में गुडविल लेकर आएगा जिसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं, और वो प्रीमियम फॉर गुडविल वो बिजनेस में लेकर आएगा लेकिन बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं, ए और बी को पे करने के लिए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को पे करने के लिए। सो इसीलिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट सी के अकाउंट में हम नहीं लिखेंगे, ए और बी में लिखेंगे क्योंकि ये ए और बी को बिलोंग करती है। अगर ए और बी ने सेक्रीफाइस किया होगा तो दोनों को मिलेगी, अगर सिर्फ ए ने सेक्रीफाइस किया होगा तो इसके अकाउंट में हम मेंशन नहीं करेंगे, ए के अकाउंट में मेंशन कर देंगे। लास्ट हमारे पास आता है कोई रिजर्व, कोई प्रॉफिट पड़ा हो या फिर कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट अर्न हुआ हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसमें से प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर रिवैल्यूएशन करने पर हमें प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट न्यू पार्टनर को बिलोंग नहीं करता, वो ए और बी को बिलोंग करता है ओल्ड पार्टनर्स को, इसलिए वो ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऐसे अगर कोई पुराना प्रॉफिट पड़ा है बिजनेस में या फिर रिजर्व पड़ा है उसको भी हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सी जो कि न्यू पार्टनर है उसको
नहीं मिलेगा। डेबिट साइड एंट्री आएगी ड्राइंग्स की, जिन पार्टनर्स ने पैसे विड्रॉ करवाए होंगे उनमें हम मेंशन करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जिसको चार्ज किया जाएगा उसमें हम मेंशन करेंगे। लास्ट में हमारे पास आता है कि अगर रिवैल्यूएशन करने पर प्रॉफिट होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, अगर रिवैल्यूएशन करने पर लॉस होता है तो उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में। सो ये था हमारे पास फर्स्ट केस जिसमें पार्टनर जो है इनकमिंग पार्टनर कैश लेकर आता है, कैपिटल और गुडविल बिजनेस में लेकर आता है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को पे कर देता है। अब हम सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस में हमें कहा गया था कि जो न्यू इनकमिंग पार्टनर है वो कैश नहीं लेकर आ पाता और वो काइंड में लेकर आता है, मतलब एसेट्स लेकर आता है। सो अगर वो एसेट लेकर आएगा बिजनेस में तो सिर्फ एक छोटा सा चेंज किया जाएगा, जहाँ पर हमने बाय कैश लिखा था हम वो कैश नहीं लिखेंगे क्योंकि वो बिजनेस में कैश नहीं लेकर आया, वो बिजनेस में एसेट लेकर आया है इसलिए हम वहाँ पर एसेट का नेम लिखेंगे। अगर वो फर्नीचर लेकर आया है तो लिखेंगे बाय फर्नीचर उसकी अमाउंट, स्टॉक लेकर आया है तो लिखेंगे बाय स्टॉक और उसकी अमाउंट, बाकी सभी ट्रीटमेंट जो है वो सेम रहेंगे। ऐसी नेक्स्ट केस हमारे पास था कि जो न्यू इनकमिंग पार्टनर है वो कैश में कैपिटल लेकर आता है और गुडविल भी लेकर आता है, लेकिन उसको ओल्ड या फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विड्रॉ करवा लेते हैं। सो इस केस में वो एसेट नहीं लेकर आ रहा, अगर एसेट लेकर आएगा तो एसेट का नेम और कैश लेकर आएगा तो कैश की अमाउंट। डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि जो ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ करवा लेंगे उनके लिए हमें डेबिट साइड विड्रॉ करने की एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। सो क्योंकि वो विड्रॉ करवा रहे हैं उनकी अमाउंट डिडक्ट हो रही है इसलिए हम डेबिट साइड एंट्री पास आउट करेंगे, टू कैश ब्रैकेट में लिखेंगे विड्रॉवल ऑफ गुडविल और अमाउंट जितनी अमाउंट उन्होंने विड्रॉ की गई होगी। ऐसे ही नेक्स्ट केस हमारे पास आता है जब न्यू इनकमिंग पार्टनर जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल पूरी नहीं लेकर आ पाता, 20,000 उसको लेकर आना चाहिए था लेकिन वो 10,000 ही लेकर आता है, तो ऐसे केस में हम 10,000 जो है वो उसकी कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे। सो बिजनेस में जो कैश लेकर आया हम उसकी अमाउंट लिखेंगे, प्रीमियम जो वो लेकर आया 10,000 वो हम इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वो 10,000 वो नहीं लेकर आया वो हम उसकी कैपिटल अकाउंट में से डिडक्ट कर देंगे, यहाँ पर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, मतलब सी जो है वो ए को पे करेगा और बी को पे करेगा इसलिए हमने उसकी कैपिटल अकाउंट में से डिडक्ट कर दी। अब इसका मतलब जो वो 10,000 नहीं लेकर आया वो भी हम यहाँ पर पे कर देंगे ए और बी को, सो 20,000 हमारा टोटल हो गया वो हम ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक बार दोबारा बता देता हूँ ये केस कि इस केस में जो इनकमिंग पार्टनर है वो फुल अमाउंट नहीं लेकर आ पाया, जितनी वो कैपिटल के लिए लेकर आया हम वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे, उसको 20,000 लेकर आनी चाहिए थी लेकिन वो 10,000 लेकर आया, सो जो वो 10,000 लेकर आया वो तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ही, साथ में जो वो 10,000 नहीं लेकर आ पाया वो हम उसकी अकाउंट में से डिडक्ट करेंगे और वो भी यहाँ पर पे कर देंगे। ऐसे ही लास्ट केस हमारे पास था कि अगर न्यू इनकमिंग पार्टनर कुछ भी अमाउंट नहीं लेकर आ पाता गुडविल के लिए तो इसमें भी हम वही करेंगे, जो वो कैश लेकर आया कैपिटल के लिए वो मेंशन करेंगे और उसको 20,000 लेकर आना चाहिए था वो एक भी पैसा नहीं लेकर आया गुडविल के लिए तो पूरा का पूरा 20,000 हम यहाँ से डिडक्ट कर लेंगे और यहाँ पर पे कर देंगे। अगर 20,000 उसको लेकर आना चाहिए था, 20,000 में से यहाँ पर कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पर कितनी आएगी ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, सिंपल हम सैक्रिफाइसिंग रेशो के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेंगे। 20,000 को हम सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे कि 2:2 मतलब कि इक्वल 3:2, तो जो अमाउंट आएगी वो ए में और जो इसकी अमाउंट आएगी वो बी में और इधर भी उतनी हम पे कर देंगे। सो ये डिफरेंट केसेस में डिफरेंट ट्रीटमेंट्स थी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिफरेंट गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे रिकॉर्ड की जाएगी। सो आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि गुडविल की डिफरेंट ट्रीटमेंट्स जो कि डिफ़िकल्ट हैं कैसे की जाएगी।
सो अगर आपको ये मेरा बताया हुआ कंसेप्ट समझ आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियोज़ को, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।